नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग टेक एंड व्यू चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे सिजेंटा के पोलो इंसेक्टिसाइड और पेगासस इंसेक्टिसाइड के बारे में। साथ ही बात करेंगे प्राइस, डोज, स्प्रे, फसलें यह कार्य कैसे करते हैं और कौन कौन से कीटों को नियंत्रण में कर सकते हैं। ए टू जेड बात करेंगे इस वीडियो में। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले खेती किसानी से जुड़ी सही जानकारी देखने के लिए। सिजेंटा कंपनी दोनों प्रोडक्ट को पोलो और पेगासस के नाम से मार्केटिंग करती है या मार्केट में बेचती है। दोनों के टेक्निकल फार्मूले की बात करें तो दोनों कीटनाशक में डाइफेंथी यूरान 50% WP फॉर्म में आता है, जो वोटेबल पाउडर होता है। दोनों ग्रुप 12 एक एक कीटनाशक हैं, पर सिजेंटा कंपनी ने मार्केटिंग नाम अलग अलग क्यों दिए हैं? दोनों में सेम कंटेंट है, टेक्निकल फार्मूले, ग्रुप, लक्षित कीट, कार्रवाई विधि सब कुछ एक है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, यदि आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं पोलो और पेगासस क्या है। पोलो और पेगासस व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशक है, जिसे ब्रांड स्पेक्ट्रम कीटनाशक भी कहा जाता है, जो जटिल और गुण प्रजाति के रस चूसक कीटों और मच्छरों को नियंत्रण में करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पोलो और पेगासस कार्य कैसे करते हैं। तो यह कीटनाशक स्प्रे करने के कुछ घंटों बाद वाष्प क्रिया करता है, जो प्लांट के अंदर डिफेनिल ऑक्साइड गैस बनाता है, जो पौधे के ऊपर से ज़मीन तक फैल जाती है और फसलों पर सक्रिय सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को आसानी से नियंत्रण में कर लेती है। यदि कीट इसके संपर्क में नहीं आए तो भी यह वाष्प क्रिया से उन कीटों पर आसानी से कंट्रोल कर लेती है। किसान भाइयों, डाइफेंथी यूरान का स्प्रे करते समय कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे स्प्रे करने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटे के पहले पानी गिर जाए या तेज बारिश की संभावना हो या सक्रिय मौसम हो, ऐसी स्थिति में कीट नियंत्रण पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए साफ और खुले मौसम या धूप खिलने पर स्प्रे करें, तभी इसका 100% सही रिजल्ट मिल पाता है। दूसरी बात, डाइफेंथी यूरान मधुमक्खी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला कीटनाशक है, जहां मधुमक्खी पालन हो उसके आसपास स्प्रे नहीं करें। तीसरी बात, स्प्रे करने के बाद प्लांट में ज़्यादा समय तक नहीं रुके, इसकी गैस हानिकारक साबित हो सकती है। इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं पोलो और पेगासस किन किन कीटों को नियंत्रण में कर सकता है। तो यह मुख्य रूप से व्हाइट फ्लाइज, माइट्स, लीफ हॉपर, थ्रिप्स, एफिड्स, कार्डामन थ्रिप्स, कैप्सूल बोरर, जेसिड्स और डायमंड ब्लैक मोथ आदि, यानी सभी प्रकार के मच्छरों को आसानी से कंट्रोल में कर सकता है। घनी फसलें, जो फसलें ज़्यादा पास पास होती हैं, उन फसलों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी नियंत्रण अवधि 15 से 20 दिन की है। अब बात करते हैं किन किन फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो कपास, सोयाबीन, बैंगन, टमाटर, मिर्च, प्याज, लहसुन, गोभी, मटर, आलू, भिंडी आदि सभी प्रकार की फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 200 से 220 ग्राम एकड़, 15 लीटर पानी में 20 से 22 ग्राम का घोल बनाकर स्प्रे करें। ज़्यादा मच्छर है तो 250 ग्राम एकड़ और 15 लीटर पानी में 25 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम 250 रुपये, 500 ग्राम 1150 रुपये और 1 किलो 2200 रुपये के लगभग दोनों की प्राइस है। 2 से 5% तक ज़्यादा कम हो सकती है। पैकिंग साइज 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैक में मिल सकता है। किसान भाइयों, डाइफेंथी यूरान 50% WP किसी भी आपकी विश्वसनीय कंपनी या ब्रांड का खरीद सकते हैं। ये निश्चित नहीं कि आप पोलो या पेगासस ही यूज़ करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।